हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग शाला। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ जीएनएम फर्स्ट ईयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यूट्यूब के अलावा आप हमें व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं रिजल्ट, एग्जाम नोटिस, एनसीपीज, असाइनमेंट्स, पीडीएफ नोट्स, बुक्स एंड मेडिकल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगा। सो जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए। सो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मैं सिलेबस शेयर कर रही हूँ, ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सिलेबस है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो जीएनएम जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन आपका रहेगा 3 ईयर्स एंड इसमें 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सो जीएनएम फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, बायो साइंस, बिहेवियर साइंस, नर्सिंग फाउंडेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एंड इनको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। सो बायो साइंस में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बिहेवियर साइंस को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज साइकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज सोशोलॉजी। एंड थर्ड सब्जेक्ट है हमारे पास नर्सिंग फाउंडेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसको भी हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, सीएचएन फर्स्ट। सो यहाँ सीएचएन फर्स्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे सीएचएन फर्स्ट। एंड जो कंटेंट हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे सीएचएन 2। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, न्यूट्रिशन। इनके अलावा हमारे पास 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जो कि है इंग्लिश एंड कंप्यूटर एजुकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं जीएनएम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। सो जीएनएम सेकेंड ईयर में भी हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एमएसएन फर्स्ट, सेकेंड एमएसएन 2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक नर्सिंग। सो इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी प्रैक्टिकल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएनएम थर्ड ईयर पार्ट 1, जिसमें कि हम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। एंड इन दोनों सब्जेक्ट्स की आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड ईयर पार्ट 2, यानी कि इंटीग्रेटेड सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 3 इयर्स का कोर्स होता है प्लस 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है। सो ये हमने जीएनएम के ऑल 3 इयर्स के सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया एंड मेनली हम जीएनएम फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो जीएनएम फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास बायो साइंस, जिसको कि हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सो फर्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें कि हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल 14 यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंट्रोडक्शन टू द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ब्लड, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द लिम्फेटिक सिस्टम, द रेस्पायरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द एक्सक्रेटरी सिस्टम, द एंडोक्राइन सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, द नर्वस सिस्टम, द सेंस ऑर्गन्स, द स्केलेटन, द मस्कुलर सिस्टम। सो यहाँ हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस है, कवर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वो किस तरह से डिजीज एंड डिफरेंट डिजीज एंड डिसऑर्डर्स को कॉज करते हैं। इसमें टोटल 6 यूनिट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन, इम्यूनिटी, कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये था माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस को हम 2 सब्जेक्ट्स और 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज साइकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज सोशोलॉजी। सो साइकोलॉजी में हम ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 6 यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लर्निंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस। सो ये था साइकोलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशोलॉजी, जिसमें कि हम सोसाइटी एंड सोशल लाइफ की स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इंडिविजुअल, थर्ड द फैमिली, सोसाइटी, द कम्युनिटी। सो
यहाँ हमारा बिहेवियर साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कवर होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास नर्सिंग फाउंडेशंस, ये सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड इसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। सो इसको हम टू पार्ट्स में पढ़ते हैं, फर्स्ट इज़ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सेकेंड इज़ फर्स्ट एड। सो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं जो कि एक नर्स को पता होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपने पेशेंट को होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। इसमें हम टोटल 8 यूनिट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग, सेकेंड नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट, मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ए पेशेंट, असेसमेंट ऑफ द पेशेंट और क्लाइंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, थेरेप्यूटिक नर्सिंग केयर, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। सो ये था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सिलेबस। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड का मतलब होता है कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है तो इमीडिएटली आप क्या करते हैं, क्या उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उस फर्स्ट ट्रीटमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट एड। सो इसमें हम 4 यूनिट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स इन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड इन एमरजेंसीज, एंड द लास्ट यूनिट इज कम्युनिटी एमरजेंसीज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। सो ये था हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नर्सिंग फाउंडेशन प्रैक्टिकल। सो इसमें प्रैक्टिकल का सिलेबस आपको दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको कि हम 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं, CHN फर्स्ट, एनवायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड लास्ट इज न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। इसमें टोटल हमारे पास 9 यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ असेसमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स, फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, फैमिली हेल्थ केयर सेटिंग्स, होम विजिट, रेफरल सिस्टम, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, माइनर एलिमेंट्स। सो ये था CHN फर्स्ट का सिलेबस। नेक्स्ट पार्ट है एनवायरमेंटल हाइजीन। इसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, थर्ड इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट एनवायरमेंटल हेल्थ, नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें 4 यूनिट्स हैं टोटल। सो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, हेल्थ एजुकेशन, काउंसलिंग, मेथड्स एंड मीडिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट लास्ट है न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें टोटल 7 यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, नॉर्मल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, फूड प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, थेरेप्यूटिक डाइट, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, प्रिपरेशन ऑफ डाइट। सो ये था हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस एंड इसके साथ ही हमने GNM फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी एंड आपको समझ भी आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।